तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी तो यहाँ से शर्ट्स खरीदे हैं, ये आपको दिख रहे हैं शर्ट्स गाइस, ये है परफ्यूम, ये देखिए ये है जो आपको लाइट्स दिख रही है, ये पीछे है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का, मुंबई का फेमस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। तो गाइस फाइनली हम लोग मरीन ड्राइव करीमन पॉइंट से निकल गए और हम लोग जा रहे हैं अभी फैशन स्ट्रीट, वहाँ पर अभी हम लोग कुछ देर घूमेंगे। इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए ये है जो आपको लाइट्स दिख रही है, ये पीछे है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का, मुंबई का फेमस वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट को तो हम सभी इंदौर में क्या मुंबई में भी और पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं, मैं भी क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ और वानखेड़े स्टेडियम तो एक बहुत ही नामी स्टेडियम। तो इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे वानखेड़े स्टेडियम, ये देखिए यहाँ से गेट से एंट्री हो रही है। देखिए यहाँ से गेट से एंट्री हो रही है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई मैच है, आज शायद वुमेन्स आईपीएल का कोई मैच है यहाँ पर आई थिंक, इस वजह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं फैशन स्ट्रीट और वहाँ के फिर वीडियो से मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने क्या खरीदा क्या। मैच इधर ही है ना, BSNL का मुंबई का ऑफिस, गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं फैशन स्ट्रीट पर। यहाँ पर जैसा इसके पहले हम लोग कोलाबा मार्केट में गए थे वैसे ही ये मार्केट है, और यहाँ पर मार्केट में बहुत सारा खरीदने के लिए सामान है, दुकानें हैं छोटी छोटी, तो एक तरीके का स्ट्रीट मार्केट ही है। देखते हैं आज ये मार्केट कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है मार्केट में, इस तरफ थोड़ा अंधेरा है, पीछे की तरफ थोड़ा लाइट्स था। ये है फैशन स्ट्रीट यहाँ का, यहाँ पर मार्केट है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या खरीदें। लो कॉस्ट में यहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, खासकर कपड़े। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी तो यहाँ से शर्ट्स खरीदे हैं, ये आपको दिख रहे हैं शर्ट्स, हमको बहुत अच्छे रेट में अच्छे शर्ट्स मिल गए यहाँ पर। अभी हम लोग आए हैं फिलहाल एक टी शर्ट खरीदने, ताकि हम लोग कल होली में पहन पाए, वाइट कलर की एक टी शर्ट, वाइट कलर की टी शर्ट में होली का रंग बहुत अच्छे से दिखेगा और हम लोग एंजॉय भी कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी कोई टी शर्ट लेकर नहीं आए थे, तो हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं अच्छी कोई टी शर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, मैं टी शर्ट लेता हूँ और फिर आपसे जुड़ता हूँ। मतलब ऐसा हो कि हम लोग ऐसा नहीं दिखे कि ये कोई एलियन सब एक ही ग्रह से आए, एलियन थोड़ी रहते हैं, फिर दोस्त यार कैसा यार, दोस्त यार ठीक है, पानी में हो तो लो। ये भैया के यहाँ पर बहुत सारी टी शर्ट्स हैं और ये टी शर्ट्स का भंडार है भैया के पास, अलग अलग वैरायटीज की टी शर्ट्स हैं, हाफ फुल। मुंबई में अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है,
देखो पैटर्न लगी हुई है वो वाली ये नहीं नहीं उसके ऊपर दूसरा नंबर ये हाँ वो उसका ही कलर है। हाँ हाँ अच्छी लग रही कलर खोलो ना आपको गाइस ये है परफ्यूम। हाँ अलग अलग आइटम्स बताना है ये तो बता दिया भैया गर्ल्स के लिए कोई एक गाइस तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए इस ट्राउजर की शॉप में जीन्स और ट्राउजर की और अभी हम लोगों ने तीन ये क्या लिया आपने अभी जॉगर्स लिए जॉगर्स हमने तीन जॉगर्स लिए और एक दो जॉगर्स लिए और एक कार्गो लिया और यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन था हम लोगों ने यहाँ से लिया अभी भैया ने हमको बहुत अच्छे रेट में भी दिया तो आप लोग का भी कोई भी इस तरीके का आपको जीन्स या जॉगर्स या फिर कार्गो लेना है तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं। भैया का नाम है भैया का नाम क्या है भैया आपका नाम क्या है रवि मौर्या रवि मौर्या भैया रवि मौर्या है इनकी शॉप पर आप आ सकते हैं ये फैशन स्ट्रीट पर ही शॉप है और बहुत ही अच्छा शॉप है। तो गाइस यार हमने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग ढेर सारा शॉपिंग कर लिया है बहुत सारी टी शर्ट्स ले ली है हम लोगों ने कार्गो पैंट्स ले लिए हैं हमने जॉगर पैंट्स ले लिए हैं और आज तो हमारे पास में शॉपिंग के नाम पे बहुत सारा कुछ हो गया तो अभी हम लोग अब यहाँ से फैशन स्ट्रीट से शॉपिंग करके निकलते हैं हम लोग एक लोकल ट्रेन पकड़ कर वापस अपने गेस्ट हाउस जाते हैं और या तो होटल जाएंगे और फिर उसके बाद में होटल जाने के बाद में हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे हाथ मुँह धोएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग रात को जाएंगे जुहू चौपाटी। तो आप आज का दिन तो यार बहुत मज़ेदार हो गया हम लोग मॉर्निंग में गेटवे ऑफ इंडिया गए थे उसके बाद में शाम को हम लोग मरीन ड्राइव गए उसके बाद में हम लोग फैशन स्ट्रीट गए कुलाबा मार्केट गए। तो ये व्लॉग आई थिंक मेरा वाला जो है ये एक पार्ट में तो नहीं आएगा ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड होगा दो या तीन पार्ट्स में वो देख लेंगे बट आप लोगों को मेरे साथ की हुई जर्नी मज़ा आएगी आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसके बाद हम लोग ये देखिए हम लोग जा रहे हैं वापस से यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और हम लोग ट्रेन पकड़ के अब जाएंगे सीधे अपने अंधेरी वेस्ट में अपने गेस्ट हाउस या होटल और वहाँ पर जाकर हम लोग फ्रेश होंगे रात को हम लोग जूहू चौपाटी जाकर थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे या कुछ नाश्ता करेंगे वो होगा मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्योंकि शायद कल हमको फाइनली होली पार्टी करके निकलना है। होली पार्टी करने के लिए हमने वाइट कलर का टी शर्ट्स लिया है मेरे पास बैग में है तो हम लोग बहुत शाम को एंजॉय करने वाले हैं तो अगर हुआ तो होली पार्टी में मैं अपने व्लॉग में कवर करूँगा आप लोग सपोर्ट करते रहिए आप लोग एंजॉय करते रहिए मेरी जर्नी को। तो हम लोग अभी आ गए चर्च गेट स्टेशन हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ कर सीधे अंधेरी वेस्ट जाएंगे और हम लोग अपने गेस्ट हाउस जाएंगे वहाँ से देखते हैं हमको यहाँ से टिकट कहाँ से मिलेगा। फाइनली गाइज हम लोग अंधेरी स्टेशन पहुँच गए और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ हम लोग यहाँ से अपने होटल जाएंगे आ जाओ चलो मैं वो यहाँ से होटल जाएंगे उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है तो मैं फ़ोन को चार्ज करूँगा थोड़ा डाटा भी उसमें मोबाइल में स्टोरेज भी कम हो रहा है तो मैं हो सकता है कुछ वीडियोस ट्रांसफ़र करूँ अपने लैपटॉप में और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर जाएंगे हम लोग जुहू चौपाटी। अगर प्लान तो अभी फ़िलहाल यही है हो सकता है प्लान में चेंजेस हो तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग प्लान यही है कि हम लोग यहाँ से जुहू चौपाटी जाएंगे। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से सर। दोस्तों मुझे जहाँ तक पता चला है कि होली जो है महाराष्ट्र में 7 तारीख को खेली जाएगी और हमारे इंदौर में 8 तारीख को खेली जाएगी। अभी मेरे दिन में बात हुई थी मेरी मदर से तो यही डिस्कशन हुआ था कि वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन तो है कि यहाँ पर 7 को खेली जाएगी कि 8 को। मैं बता रहा था आप लोगों को कि होली जो है यहाँ पर शायद 7 तारीख को खेली जाएगी और 6 तारीख को जलेगी
और इंदौर में जो है होली 8 तारीख को खेली जाएगी और 7 तारीख को जलेगी, ऐसा कुछ है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जो पता है वो यही है। तो हम लोग कल यहाँ होली पार्टी के लिए मुंबई में रुके हुए, काम भी है थोड़ा सा, हम लोग काम करेंगे, शाम को ऑफिस में होली पार्टी मनाएंगे, जिसका भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा। बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, बाहर वो सच पिता को उधर ऊपर भी सुपर जाओ, उधर से जाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से, ऊपर से लिफ्ट है, ऊपर से उधर नहीं, वो सच का बाहर है ना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। तो हम लोग फिलहाल निकल गए हैं ऑटो लेकर अपने होटल के लिए। हम लोग जाएंगे, मेरा मोबाइल चार्ज करूंगा मैं, और हम लोग हमारा फ़ोन जो डिस्चार्ज हो गया है या चार्जिंग कम बची तो वो चार्ज करके फिर हम लोग रेडी होकर, अगर हमें ठीक लगा और हम लोग रहे उस कंडीशन में, तो हम लोग जुहू बीच जाना पसंद करेंगे अभी, क्योंकि उसके बाद हमको शायद ही टाइम मिलेगा।